तो आज आपके साथ मैं शेयर करूंगी अरवी गोश्त की रेसिपी। तो उसके लिए हमने गोश्त लिया है हाफ के जी है, बीफ लिया है और अरवी लिया है हमने 1 पाव, 1 पाव। और इसके लिए आइए रेसिपी, और इसको हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे। और ये हमने इसमें ऑयल डाला है और ये 2 मीडियम साइज के हमने प्याज लिए हैं, इनको कट करके हम इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई करेंगे। प्याज को हल्का सा फ्राई करने के बाद अब इसमें हम गोश्त को ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। अब गोश्त को फ्राई करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट हम डाल के थोड़ा सा इसको और फ्राई करेंगे ताकि गोश्त की जो स्मेल वगैरह आती है वो ख़त्म हो जाए, और ये अदरक लहसुन के साथ इसकी भुनाई करेंगे। गोश्त को फ्राई कर लिया हमने, थोड़ा सा भून लिया। अब इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च ली है और 1 टेबलस्पून हमने पिसा हुआ धनिया, और इसी तरह नमक और थोड़ी सी हल्दी, ये ऐड करके अब इसको हम थोड़ा सा चम्मच चलाएंगे। और उसके बाद हम अब ये जिस प्लेट में हमारे मसाले लिए थे थोड़ा सा पानी डाल के हमने उसमें ऐड किया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, और गोश्त के लिहाज से आपको पानी डालना है कि जिसमें ये गल जाए। और प्रेशर इसलिए लिया है कि ये बीफ है तो थोड़ा टाइम लेता है प्रेशर में ये कि जल्दी गल जाता है। एक टमाटर लिया है हमने एक नॉर्मल साइज़ का, और उसको भी ऐड कर दिया ताकि गोश्त जब गलेगा तो साथ ये भी साथ मैश हो जाएगा। अरवियों को हमने छीन लिया था और इसको नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि जो इसका लेस है वो लेस जो निकलता है वो ख़त्म हो जाएगा। और तो 5-10 मिनट रखने के बाद हम इसको वॉश करेंगे। माशाल्लाह से ये देखें आप, गोश्त गल गया और कितना अच्छा इसके कितनी अच्छी इसकी लुक आ गई है, और जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो इसका मतलब है कि ये डन है, और अब हम इसमें अरवी ऐड करेंगे। और अरवी को हमने 10 मिनट रखने के बाद अच्छी तरह पानी से वॉश करके अब इसमें ऐड किया है, और अब इसको उसके साथ हम भूनेंगे। इसको अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि अरवी जो सा गल जाए, और 15-20 मिनट के लिए इसको हम ढक देंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा सालन रेडी हो गया है, और उम्मीद करती हूँ कि आप अगर इस तरीके से पकाएंगे तो बहुत ही मज़े का ये सालन बनेगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।